तो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है नेविगेशन बटन कस्टमाइज़ कैसे करें। फ्रेंड्स, मेरे पास है रियलमी का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मैं चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो बैक का बटन आप इधर साइड कर सकते हैं और थ्री लाइन वाले इधर, तो आप चेंज कर सकते हैं। और चाहे तो इसकी जो मतलब प्ले है ये वाला अलग साइज़ में, मतलब अलग पैटर्न में चेंज कर सकते हैं। तो आप सेटिंग का ओपन करेंगे और इसके बाद आपको एक घंटे फिर से आएगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको कन्वर्जन टूल पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपको यहाँ दिखेगा नेविगेशन बटन, आप इस पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको यहाँ दिखेगा ये वाले बटन। अगर आप ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जेस्चर का ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स ये नीचे ही क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर आप चेंज करने वाले नहीं है, पर किसी किसी फ़ोन में होता है, मतलब कि जो ये स्क्रैच एरो में आ सकता है और ये किसी और में और ये किसी और में। तो फ्रेंड्स, ये बस ये चेंज हो जाएगा, बैक वाला बटन इधर और ये वाला बटन इधर। तो फ्रेंड्स, मैं बैक वाला बटन इधर रखूँगी। और फ्रेंड्स, इधर से आप इसको इनेबल करते हैं तो आपका ये छोटा सा डॉट का ऑप्शन आएगा, वो हमारा हाइड बटन करने वाला है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि नेविगेशन बटन हाइड हो चुका है। जहाँ इस प्रकार से स्लाइड करते हैं तो आपका नेविगेशन बटन शो होगा। और फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में से शो कर सकते हैं। जब इसी डॉट पे क्लिक करते हैं तो आपका नेविगेशन बटन वापस से शो होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं ये बटन हट जाए तो इसको डिसेबल करेंगे यहाँ से, तो आपका इधर डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में नेविगेशन बटन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर। और फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।